वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, दिस इज मेदिशिया एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, है ना। हाँ, तो आज है रमजान का डे 28। तो अभी जो है यार, अभी वैसे ना हमारे घर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आपको पता है चांद रात बहुत ज्यादा करीब है, तो इस वजह से हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाया और बहुत ज़्यादा मार्केट का चक्कर ये वो, तो ना इस वजह से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए हमने कुछ भी काम नहीं किया। वैसे बहुत काम होते हैं तो हमारा काम नहीं हुआ अपने घर की सफाई के लिए, तो आज हम लोग बहुत थके ना। हाँ, और फिर भी काम होता ही नहीं है भाई, आप लोगों को पता है हमारी जो अम्मा है, देसी जो हमारी अम्मा है, उनके तो काम ही ख़त्म नहीं होते, क्या करें। तो इस वजह से जो है ना, अभी मम्मा ने बोला काम पे लग जाओ दोबारा से, तो अब हम दोबारा काम पे लग गए। तो अभी मेरा वही काम है, शरबत बना रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो अभी मम्मा ने जो है यहाँ पे छोले बना लिए हैं, और ये आज बहुत मज़ेदार से मम्मा ने फ्रूट चाट बनाई है, जिसमें खरबूजा, केला और स्ट्रॉबेरी है। और अभी है ना, वो देखते हैं ना आज तुम कहाँ आया वो भाई, हाय 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 हाय, तरबूज काटे गए। चलो तुम काटो, और है ना आज तो यार तुम्हें पता है कितनी तैयारियां करनी है ना, कि चाना से एक दिन पहले है, क्योंकि मम्मा जो है ना सफाइयां कराए जा रही हैं गाय, सफाइयां करवा रही हैं ना, मैं आपको क्या बोलूं। हाँ, और आहत जो है ना, आहत रुक जाओ, और इसको लेके गाय से देखो खुद ही लग गया ये बनाने के लिए। चलो इसको बनाना देखते हैं ना, तुम देख रही हो इसको क्या कर रहा है, ये खुद ही शूज बना रहा है। पानी सही है या नहीं, मुझे बना देना। नहीं, इतना सारा पर चलो पानी मिलेगा। ये पकौड़े के आलू काट लिए हैं, और दूसरी तरफ ये चिप्स के आलू हैं। तो यार अभी जो है ना, मैंने मम्मा ने बताया समोसे नहीं बने हुए हैं, तो फिर मुझे समोसे अभी बनाने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी से समोसे बना लेती हूँ। मेरे ना एनर्जी बहुत कम है आज यार, बहुत कम है, रोजा मुझे लग नहीं रहा, ज्यादा ही होती है पर एनर्जी का रोल की और समोसे की पट्टियाँ, तो मैं जल्दी से समोसे बनाती हूँ, उसके बाद मिलेंगे। A few moments later. तो गाइस अब अफ्तारी में ना सिर्फ 2-3 मिनट ही रह गए, और मैंने समोसे भी रेडी कर लिए, तो मम्मा ने वो फ्राई भी कर लिए, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें गाइस, सारे समोसे भी रेडी हो गए हैं, तो अभी मैं चलती हूँ और अफ्तारी कर लूँगी। क्या बचपन वाले पापड़? हाँ, ये वाले पापड़ ना हम लोग बचपन में खाते थे, तो अब जल्दी से अफ्तारी करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हमने अफ्तार भी कर ली थी और चाय भी पी ली थी, और अभी जो है भाई मम्मा ने हमें काम दे दिया कि तुम लोग किचन विचन का काम कर लो, और ऐना साहिबा जो है यहाँ पे वो ये देखो सब साफ करने में लगी। मुझे अपने घर जाना है। तो जो है गाइस, अभी मम्मा जो है ना यहाँ हलीम बना रही है, भाई ईद में तो खाने कोई भी आ सकता है, और कोई भी क्या, सभी आते हैं, तो इस वजह से मम्मा ने बोला क्यों ना मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ खाने बनाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास हैगा नहीं। तो अभी मम्मा बना रही है, मम्मा ये क्या है वैसे बताना, हलीम का कोरमा, ये हलीम का कोरमा है, और वहाँ पर हलीम की दाल है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो है सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो रहा है घर, तो अभी हम वो साफ़ करेंगे, और बताओ क्या काम करेंगे। बस अभी हम ये सफाई करेंगे और फिर हम बाहर जाएंगे। हाँ, फिर हम बाहर जाएंगे सामान लेने के लिए, तो जल्दी से काम करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। A few inches later. तो गाइस भाई जितने काम हम होना था वो हो गया, बाकी अभी हमें लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं, और फिर आप भी देखिए साथ साथ, और फिर आएंगे फिर बाद में जितनी भी सफाइयाँ वफाइयाँ या जो भी है वो सब करेंगे। और बाकी कल है चांद रात, तो मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन यार पता भी तो नहीं है, हमारे चांद में दिखता ही नहीं है ना, क्या करें इस वजह से। अब देखें कल होगी या बुध को होगी चांद रात, तो कुछ पता नहीं है, अब हम कल का इंतज़ार करेंगे, कल होगी फिर देखते हैं कि चांद नज़र आता है या नहीं होता, और हम लोगों की होती है या नहीं होती है। मुझे तो बहुत खुशी है, और आप लोगों को खुशी होगी, क्योंकि इतना प्यारा एक तो महीना हमारा वो जा रहा होगा, हमें उदासी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ऊपर से ईद आती है तो और अच्छा लगता है, लेकिन जो उदासी होती है रमज़ान के जाने की वो तो अलग ही होती है ना यार, क्या कहें। लेकिन हमें बहुत खुशी से ईद मनानी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से, हमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है रमज़ान के बाद तोहफा हम मुसलमानों के लिए, ताकि हम लोग रमज़ान के बाद थोड़ी सी वो कर सकें, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पे ईद दी है। तो मैं यही बोलूँगी सबसे कि आप लोग सब ईद मनाया करें, उदास मत रहा करो ईद वाले दिन, या ऐसा मत बोला करो। आजकल बहुत ज़्यादा नेट पर चल रहा है कि क्या कहते हैं
बहुत ज़्यादा ही के मेच्योर हो गई होगा बट एवर सही है, तो ऐसा मत किया करो। ईद सबकी बहुत प्यारी होती है, ईद सुनना है, तो ईद को बहुत खुशी से मनाया करो, सही है। तो अभी जाते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे, और हम लोग वैसे तो ना ग्रॉसरी करने आए, और क्योंकि यहाँ पे जो ना ईद के लिए जैसे सामान लेते हैं ना, सिवैया मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो उसके हम आ गए। हमने कहा मम्मा ने ना पहले से कुछ लिया ही नहीं यार, ईद की तो पहले से करते हैं यार तैयारी, मम्मा आपने करी नहीं पहले से यार, रमजान में दिल्ली कर रहे हैं ना हमारे। अच्छा तो आप अभी क्या ले रही है? सिवैया दिखाओ ये। और मुझे है ना तुम्हें पता है यहाँ पे गोलगप्पे ले लेता हूँ, गोलगप्पे ही मिलते हैं। गोलगप्पे यहाँ से कौन लेता है? पता है गोलगप्पे मिलते हैं वो पापड़ होते हैं ना, पापड़ कड़क वाले गोलगप्पे होते हैं, तो उनको फ्राई करते हैं। हाँ उनको फ्राई करते हैं, पापड़ किस फॉर्म में होते हैं। तो भाई बाहर से जाके खा लो ना, यहाँ से क्या यार, लेकिन घर पर बना के अच्छा बनेगा। गोलगप्पे क्या आइडिया बताओ? हाँ शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट में या लॉन्ग में, दोनों में बना के डालना है। सही है सही है सही है, चलो सही है, ये बनाएंगे। पहले मिले तो लो ना। हाँ नहीं ना खुद बना के घर में, दो होते हैं पहले ही, तुम लेकर नहाने के काम आएगा, जो सर से नहाती नहीं है। गाइस अभी हम ना $1 स्टोर में वापस फिर से आ गए थे, बस पढ़ लेते रास्ते में तो हम आ गए। हाँ हमने भी सामान भी लिया और थोड़ा सा, क्योंकि परस तो ईद है। तो गाइस मैं आ चुकी थी, और यही था आज का छोटा मोटा सा व्लॉग, और कल चांद रात है, कल का व्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है। तो अभी है ना यहाँ बैठ के अपना लैपटॉप चला रही है, और गाइस आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ की कोई सफाई नहीं की है इसने, दो दिन से कोई सफाई नहीं करी। इतनी सफाई करी है ना मैंने, इतनी ज्यादा, अभी मैंने पूरे सोफे भी हटा दिए थे, उसके बाद मैंने सफाइयां करी थी, उसके बाद यहाँ पे देखो जब भी कारपेट भी नहीं है, और मुझे अपने घर जाना है, कारपेट लग डालनी है, यहाँ की पूरी झाड़ू वाड़ू सब पोछा पोछा लगा दिया। वाह 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 क्या बात है, मैंने किया यहाँ की 3 से 4 दफा यहाँ झाड़ू लगाई, उससे 5 दफा, उससे पहले ना 5 दफा मैं लगा चुकी, वो भी सोफे हटा के सारे। अरे बाबा क्या बात है क्या बात है, चलो कोई नहीं माफ कर देते हैं, इनको माफ कर देते हैं, बोलते जहाँ समझे तुम छी लो अपनी जिंदगी तुम। क्या याद रखोगी। तो गाइस यही था आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।